मैं काशी निवासी महादेव यानी विश्वनाथ भक्त अरविंद कुमार सिंह आज ओम के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और इसमें बताए गए मंत्रों का उच्चारण करें और लाभ उठाएं। राम राम, हो सबका कल्याण, हर हर महादेव। ओम एक महामंत्र है, इसमें विज्ञान है। ओम एक ध्वनि है, हम जानते हैं कि प्रत्येक ध्वनि में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट करते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अनुसार प्रत्येक ध्वनि की अपनी आवृत्ति होती है। ओम शब्द की आवृत्ति को वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया तो पाया कि जो व्यक्ति ओम का प्रतिदिन उच्चारण करते हैं उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सामाजिक विकास एवं आर्थिक विकास होता है, क्योंकि उसका दिन भर दिमाग शांत रहता है। अतः वह पूर्ण जोश, जुनून एवं समय पर पूर्ण प्लानिंग के साथ कार्य कर अपना और समाज का सर्वांगीण विकास करता है। अतः सनातन धर्म में प्रत्येक मंत्रों से पहले ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है। सनातन धर्म में ईश्वर या परमात्मा के तीन कार्य बताए गए हैं, उत्पन्न करना जनरेशन, ब्रह्मा का कार्य पालन पोषण करना, विकास करना विष्णु का कार्य, और विनाश करना या नष्ट करना शिव जी का कार्य बताया गया है। शिव जी योगी हैं, वह बुरे विचारों का नाश करते हैं, अतः हम सकारात्मक होते हैं शिव भक्ति से। शिव शांत और आनंद का प्रतीक हैं, अतः शिव भक्ति करें और स्वस्थ रहें, सफल बने। शास्त्रों में दिखाया गया है कि शिव जी के तीसरे नेत्र खोलने से कामदेव भस्म हो गए, यानी कि कामदेव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो निगेटिव विचार हैं, जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाता है तो वह नष्ट हो जाते हैं, यानी कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन होने से ये सभी निगेटिव विचार, निगेटिव इमोशंस दूर हो जाते हैं। अतः मिड ब्रेन एक्टिवेशन करवाएं और जीवन में सफल बने। तो चलिए जान लेते हैं कि ओम कितने वर्णों से मिलकर बना है और उसके क्या अर्थ हैं। ओम शब्द तीन वर्णों से मिलकर बना होता है। इन तीन वर्णों का अद्भुत अर्थ है। अ, उ और म, इन तीन वर्णों से ओम बना है। अ का अर्थ उत्पन्न करना या जनरेशन, उ का अर्थ पालन करना या विकास करना ऑपरेशन, म का अर्थ मौन होना यानी ब्रह्मलीन होना या नकारात्मक विचारों को नष्ट करना, अर्थात परमात्मा के तीन कार्य ओम उच्चारण में निहित है। इसका उच्चारण करने से आप सकारात्मक होंगे, ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत होंगे, मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्वस्थ होंगे। परिणाम स्वरूप आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास स्वतः हो जाएगा। अतः श्रावण माह में यह संकल्प लें कि मैं ओम के साथ अपने इष्ट का नाम और अंत में नमः बोलेंगे, जैसे ओम शिवाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। जो मानव ईश्वर को नहीं मानते वह क्या करें, उनके लिए मैं कुछ सकारात्मक शब्दों को संयुक्त कर एक मंत्र ग्रंथों में दिया गया है, उसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। उसका उच्चारण करने मात्र से समान लाभ मिलेगा। यदि आप भगवान या परमात्मा को नहीं भी मानते हैं तो भी समय निकाल कर देवालय में जाएं और उस प्रांगण में कहीं भी स्वच्छ जगह पर बैठकर इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें तो अत्यधिक लाभ होगा, क्योंकि देवालयों
का ओरा अधिक होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा की अधिकता होती है। यदि आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो नदी या तालाब या जलाशय के पास एक घंटे बैठें और दिए गए मंत्र का उच्चारण करें, आप लोगों को लाभ होगा। इसमें भी विज्ञान है। इसमें क्या विज्ञान है, इसको जानने के लिए आप आगे का वीडियो ध्यानपूर्वक सुने। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जल सुनता है और जलाशयों के पास सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है। यही कारण है कि जब लोग तनाव में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो घाटों पर जाकर बैठते हैं और उनको सुकून शांति मिलता है। आप इसे खुद महसूस कर सकते हैं। यदि यह भी नहीं कर पाते तो घर में ही एक बाल्टी जल लें और उसके सामने एक घंटे बैठें और बताए गए मंत्र का उच्चारण करें और उसमें से जल निकाल कर खुद पिएं और पूरे परिवार को पिला दें। शेष पानी को गमले में डाल दें या पालतू जीवों को पिला दें। ऐसा करने मात्र से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। तो चलिए अविलंब उस अद्भुत मंत्र के बारे में बताते हैं जिसको बोलना है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ब्रजी नमः। 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 धन्यवाद। नमस्कार।